राहुल गांधी को आज फिर ईडी के सामने पेश होना है। आज फिर राहुल से ईडी की पूछताछ होगी। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच अपने आवास से निकलेंगे और ईडी दफ्तर के लिए जाएंगे। आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के अलावा दिग्गज नेता, सांसद और विधायक दिल्ली में ही जमे हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाएंगे, तब कल की तरह सत्याग्रह मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आज भी खास सुरक्षा इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने अकबर रोड पर धारा 144 लागू कर रखी है ताकि भीड़ वहां पर जमा ना हो सके। अकबर रोड को पूरी तरह से बैरिकेड से कवर कर दिया गया है। अकबर रोड पर दोनों तरफ डबल लेयर की बैरिकेड की गई है और भारी संख्या में पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि 24 अकबर रोड पर कांग्रेस ऑफिस और सोनिया गांधी का निवास है और वहां पर डबल बैरिकेडिंग की गई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। कल की तरह आज भी ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला मीडिया के सामने आए और मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ सवाल दागे। इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी और मोदी सरकार का डर, पहला सवाल। मैं 4 सवाल आपके बीच में लेकर आया हूं। आखिर मोदी सरकार को, आखिर भाजपा के निशाने पर श्री राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों है? दूसरा सवाल, क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है ईडी की कार्यवाही? ये सवाल है जो शायद टेलीविजन पूछ नहीं पा रहा। तीसरा सवाल, क्या श्री राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा चंद धन्ना सेठों के हित साधने में रोड़ा बने हैं? चौथा सवाल, भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर 40-50 मंत्री लगाकर सारे मीडिया पर दबाव डालकर कल पूरा दिन आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज भेज ये बताकर के ये चलाइए, ये चलाइए, ये चलाइए, केवल एक आवाज श्री राहुल गांधी पर ही इतनी हमलावर क्यों है? रणदीप सिंह सुरजेवाला को आपने सुना, वहीं देश की आवाज उठाने पर राहुल से पूछताछ हो रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। बौखलाहट में राहुल से ईडी पूछताछ कर रही है। ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कल भी कही गई, इससे पहले भी कही गई और आज भी कही गई। कांग्रेस ना डरेगी ना झुकेगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, साथ ही उन्होंने ये बात भी कही और साथ ही उन्होंने कहा कि ये सारी एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। दस घंटे तक ईडी ने पूछे राहुल गांधी से सवाल, कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ में साधी चुप। आज राहुल से ईडी की पूछताछ का राउंड 2। ईडी ने राहुल गांधी से 10 घंटे की पूछताछ की, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस मैराथन पूछताछ में ज्यादा कुछ निकल कर नहीं आ पाया है। कहा यह जा रहा है कि ईडी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। राहुल कई बार एजेंसी के सवालों से बचते नजर आए, यही वजह है कि ईडी ने आज फिर से राहुल गांधी को बुलाया है। राहुल से आज भी नेशनल हेराल्ड केस में सवाल जवाब होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने आज राहुल गांधी से कुछ दस्तावेज भी लाने को कहा है। रात को 11:20 पर राहुल गांधी जब ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो नजारा बदला हुआ था। सुबह के वक्त राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं का जो हुजूम था वो रात में नजर नहीं आया। नारेबाजी, शोर शराबा कुछ भी नहीं था। सुबह के वक्त जब राहुल गांधी को ईडी दफ्तर पहुंचने में 45 मिनट का वक्त लगा, वहीं रात में वो ईडी दफ्तर से कार में बैठकर चुपचाप अपने घर के लिए निकल गए। इस दौरान कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता ही राहुल गांधी के काफिले के आसपास थे। देर रात राहुल गांधी जब ईडी के मैराथन पूछताछ के बाद घर पहुंचे तो उनसे मिलने उनके घर प्रियंका गांधी पहुंची। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। राहुल ने ईडी के सवाल जवाब पर प्रियंका को ब्रीफ किया और आज की पूछताछ पर रणनीति भी बनाई। राहुल गांधी ईडी दफ्तर से निकले और यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी का पूरा काफिला जो है
वो ईडी दफ्तर से निकल रहा है और अब इस गाड़ी में से राहुल गांधी जो है वो इस तरफ बैठे हुए हैं। लगभग 10 घंटे की पूछताछ जो है वो राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में हुई और अब राहुल गांधी जो है वो रात को लगभग 11:20 पे ईडी दफ्तर से निकले हैं और आप देख सकते हैं लगभग 10 से ज्यादा घंटे पूछताछ जो है वो राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में की गई। जिस तरीके से राहुल गांधी लगभग सुबह 11:30 के करीब ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, उनसे बाद उनसे पूछताछ शुरू होती है, 3 घंटे पहले पूछताछ होती है और उसके बाद उन्हें जो है वो 1 घंटे के लिए लंच ब्रेक पे जाने दिया जाता है। उसके बाद वो लगभग 3:41 पर वापस ईडी ऑफिस पहुंचते हैं, वहां पर उनसे दोबारा 4 बजे करीब पूछताछ शुरू होती है और अब लगभग 11:21 पे राहुल गांधी ईडी दफ्तर से निकले हैं। सूत्रों के मुताबिक जब पूछताछ रात तक खिंच गई तो राहुल ने ईडी के अफसर से कहा कि क्या उनको रात को भी ईडी के दफ्तर में ही रोका जाएगा, अगर ऐसा है तो क्या वो डिनर करके आ सकते हैं। हालांकि राहुल को रात को रोकने की नौबत नहीं आई और 10 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल को छोड़ दिया गया। आज फिर से राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। ईडी के सीनियर अफसरों की टीम आज भी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। इसे देखते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पार्टी कार्यकर्ता आज भी वैसा ही प्रदर्शन करेंगे जैसा कल किया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।